भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति और अमन कायम हो रहा है और ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद से कश्मीर में शांति भंग कर रहा है, मगर पाकिस्तान पर किसी भी मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति देशभक्त है। उनका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हो, पिछले 35 वर्षों में जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की लगातार साजिशें पाकिस्तान की ओर से हो रही हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की हर साजिश की। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों ने कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्याएं की। पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के अंदर जघन्य अपराध और महापाप किए। हमारी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से हमेशा इन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के मंसूबे विफल किए। वो 1990 का दशक हो, वो 2010 तक का जो पाकिस्तान के अंदर षड्यंत्र रचे गए जम्मू कश्मीर के खिलाफ, हर पाकिस्तान के षड्यंत्र को हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मिलकर ये पाकिस्तानियों के हर साजिश को विफल किया। धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर जब अमन भाईचारे की ओर बढ़ रहा है, जब जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स यहां मंजूर किए, जब केंद्र की सारी नीतियां जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की भलाई की योजनाएं जब सारी लागू हो रही हैं, उस वक्त एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों ने एक बड़ी साजिश रची। 1984-85 के दौर में जैसे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑपरेशन टोपैक चलाया और जम्मू कश्मीर के अंदर जिहाद के बैनर के तले कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिखों और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो अन्य प्रदेशों के हिंदू थे उनको टारगेट किया गया, और उसके साथ साथ जो कश्मीर घाटी में सूफी संप्रदाय के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, कश्मीर घाटी के अंदर जो हुब्बल वतनी का, देशभक्ति का जज्बा रखने वाले जो मुसलमान हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और 1990 के दशक में इन आतंकवादियों ने जो कश्मीर में तांडव किया वो हम सब ने देखा। मानवाधिकारों का हनन दुनिया के अंदर अगर सबसे खराब रहा तो वो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान करके किया। इंसानियत का कत्ल पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं, मानवता का कत्ल, मानवता भी शर्मा गई जिस तरीके से कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तानियों ने लहूलुहान किया। हमारी सेना ने, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर कश्मीर घाटी में आतंकवादी संगठनों के तमाम बड़े बड़े जो सरगना थे उन सबको मौत के घाट उतारा। वो लश्कर है, जैश है, हिजबुल मुजाहिदीन है या जो कोई भी है, इन सभी आतंकवादी संगठनों के बड़े बड़े सरगना
हमारी सेना और पुलिस ने जमींदोज कर दिए। आज आतंकवादी संगठनों की कमर भारतीय सेना ने तोड़ी, तो आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान की जो आर्मी के जम्मू कश्मीर विरोधी भारत विरोधी मॉड्यूल हैं, वो सब यहां ध्वस्त किए गए। और फ्रस्ट्रेशन में डिस्पिरेशन में आकर पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने आतंकवाद के इस मॉडस ऑपरेंडी को बदला है। 47 और एके 56 और रॉकेट लॉन्चर लेके घुसपैठ करते थे, आज उनको घुसपैठ करते ही मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन एक टारगेटेड किलिंग्स का एक नया षड्यंत्र और साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही है, ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं। ये एक नई साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने रची। जिस प्रकार 1984 और उसके बाद 90 के दशक में पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक चलाकर जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों की हत्याओं की साजिशें रची, अब फिर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के साथ, आतंकी संगठनों के सरगनाओं के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बैठकर ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, एक नई साजिश जम्मू कश्मीर की जनता के विरुद्ध रची है, जिसमें टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर एक डर और खौफ का माहौल बनाने की साजिश हो रही। चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे जम्मू के डोगरे सरकारी मुलाजम जो कश्मीर घाटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जो यहां बिजनेस कर रहे हैं, जो यहां मजदूरी कर रहे हो, या अलग अलग विभागों में केंद्र सरकार के डिपार्टमेंटों में यहां नौकरी पेशा हो, उनको भी निशाना बनाकर डर और खौफ का एक माहौल बनाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। यहां कश्मीर घाटी में श्री राहुल पंडिता जी की चाडूरा में हत्या की गई, वहीं एक टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट, जो कि नए जम्मू कश्मीर की एक पहचान थी, कश्मीर की एक उभरती हुई कलाकार थी, उनको निशाना बनाया गया। अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहे रियाज अहमद ठोकर साहब एवं सैफुल्ला कादरी साहब की निर्मम हत्या की गई। जम्मू के सांबा की रहने वाली एक टीचर श्रीमती रजनी बालाजी, जो पिछले 15 वर्षों से कश्मीर घाटी के अंदर अपनी सेवाएं दे रही थी, वहां के बच्चों को वो पढ़ा रही थी, अपने परिवार सहित वहां रह रही थी, जिस प्रकार उनकी हत्या की गई। और आज फिर से कुलगाम के अंदर राजस्थान के रहने वाले श्रीमान विजय कुमार साहब, जो इलाकाई देहाती बैंक के अंदर मैनेजर थे, उनको निशाना बनाकर पाकिस्तानी कायर आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, महापाप किया। छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा, स्कूल जाते बच्चों को टारगेट किया जा रहा, डर और खौफ का एक माहौल बनाने की साजिश पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही। जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्ल पाकिस्तान की एक साजिश के तौर पर किया जा रहा। अब चूंकि घुसपैठ करते ही हमारी सेना, हमारी बीएसएफ और हमारी पुलिस पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रही है, तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हो, आईएसआई हो या पाकिस्तान की सेना हो, ड्रोन्स के माध्यम से
छोटे हथियार, पिस्टल्स, स्टिकी बॉम्ब्स और नार्कोटिक ड्रग्स, इसका प्रयोग इन आतंकवादी घटनाओं में करने की साजिश कर रही है। ड्रोन्स की मदद से पिस्टल्स और स्टिकी बम्स जम्मू कश्मीर में हमारी सीमा के अंदर, एलओसी के अंदर गिराने की साजिश की जा रही है, जिसको हमारी भारतीय सेना बीएसएफ और पुलिस ने विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान के इन तमाम षड्यंत्रों को हम विफल करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त लोग हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने आज जब पूरे जम्मू कश्मीर में करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए के विकास कार्यों को यहां शुरू किया है, बड़े पैमाने पर जब जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, दो दो एम्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट, रिंग रोड, सीआरएफ के प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, यहां के किसानों के खातों में साल का 6,000, गरीब लोगों को गांव गांव के अंदर, गरीब लोगों को टॉयलेट्स और बाथरूम्स, गांव गांव के अंदर सड़कें, बिजली, पानी, हर प्रकार की सुविधा जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचाई, कोरोना की फ्री वैक्सीन जब पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचाई, और जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के जब हाथ में तिरंगा झंडा शान से आज लहराता हुआ चारों दिशाओं में नजर आ रहा है, तो यह पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों को हजम नहीं हुआ। जब जम्मू कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ रहा है, जब जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के नए मुकाम हासिल किए जा रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा मजबूत हुआ है, जब जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की बहाली हुई है, तो सबसे बड़ी तकलीफ इन पाकिस्तानी कायर जिहादी आतंकवादियों को हुई है, जिन्होंने फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा षड्यंत्र करके एक डर और खौफ का माहौल बनाने की साजिश की है। यह पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। कश्मीर के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल, आतिफ मीर को संबल के हाजिन में मौत के घाट उतारा, इशरत मुनीर को पुलवामा में मारा, खुशबू जान को शोपियान में मारा, तो अमरीन भट्ट जैसी उभरती हुई कलाकार जो कि एक नए कश्मीर की पहचान थी, उसको गोलियों से भून दिया गया। यह पाकिस्तान कश्मीरियों का और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुनिया में अगर कोई मुसलमानों का और जम्मू कश्मीर की आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो ये पाकिस्तान है, जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं। पाकिस्तान को पहले भी बालाकोट की एयर स्ट्राइक के माध्यम से, उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से और घुसपैठी आतंकवादियों का सफाया करके पाकिस्तान की हर साजिश को हमने विफल किया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान की पॉलिसियों से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और आगे भी पाकिस्तान को इसकी काली करतूतों के लिए पाकिस्तान ने जो पाप किए हैं, जो गुनाह किए हैं, रिपोर्ट द स्टेट टाइम्स, जम्मू, चुकानी पड़ेगी।